हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कृषि एपिक्योर। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ वेज पुलाव। इसे मैं ऐड करूंगी 2 बड़े चम्मच ऑयल के, करूंगी कुछ कच्चे मसाले लिए हैं 2-3 तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च। अब इनको मैं थोड़ी देर के लिए, आधा मिनट के लिए इन्हें पकने के लिए रख देती हूँ। इसके साथ साथ अब मैं ऐड करूंगी 1/2 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच मिर्ची, इसके लिए मैंने लिए कुछ हरी मिर्च, लाल मिर्च, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाला हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसे मैं ऐड करूंगी गार्लिक और जिंजर का पेस्ट, इनको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। अब इसमें ऐड करूंगी कटा हुआ प्याज, इनको अच्छे से सौते कर लेते हैं। अब इसे 1 से 2 मिनट के लिए पकने के लिए रख देती हूँ प्याज को। देखिए हमारी ये प्याज जो है ये सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें ऐड करूंगी कटा हुआ टमाटर, अब इसके साथ में ऐड करूंगी सोया चंक्स और 1 से 2 मिनट के लिए इन्हें भी सॉफ्ट होने के लिए या कुक करने के लिए रख दूंगी। टमाटर हमारे अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। अब इसे मैं ऐड करूंगी कैरेट एंड इसे मैं ऐड करूंगी बीन्स 1/2 कटोरी है और इसके साथ मैं ऐड करूंगी हमारे मटर। इन्हें मैं अच्छी तरह से सॉटे कर देती हूँ। एंड गाइस प्लीज हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करना ना भूले एंड हिट द बेल आइकन फॉर माय न्यू अपडेट। ये देखिए ये अच्छी तरह से कुक हो रहे हैं। अब इनको भी मैं 1 से 2 मिनट के लिए कुक होने के लिए रख देती हूँ। एंड प्लीज हमारी वीडियो को पूरी देखिए ताकि आप कुछ मिस ना कर दे। हमारे अच्छी तरह से सब्जियां कुक हो चुकी है। अब इसमें ऐड करूंगी हमारे आलू, गोभी, आप चाहे तो अपने मनपसंद वेजिटेबल्स का यूज कर सकते हैं जो अभी आपको पसंद हो, जो आपके पास जो भी अवेलेबल हो। ये मैं थोड़ा से सॉटे कर देती हूँ। कितना अच्छा इसका कलर आ गया है। गैस की फ्लेम को हम थोड़ी देर के लिए कम कर देंगे ताकि गोभी और आलू भी इसी तरह से कुक हो जाए। अब हम ऐड करेंगे मसाले। इसके लिए मैंने लिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर और 1/2 चम्मच हमारा हल्दी, गरम मसाला और 1 चम्मच नमक, या आप अपने स्वाद अनुसार इसका यूज कर सकते हैं। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। राइस, ये मैंने भिगोए हुए राइस लिए हैं। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 कटोरी राइस मैंने यूज किया है इसमें। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग राइस ले सकते हैं। इन्हें मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ।
5 से 10 मिनट के लिए धीमी गैस में इन्हें पकने के लिए रख देती हूँ। राइस हमारे 10 मिनट के लिए हमने पकाने के लिए रखा था, अभी अच्छी तरह से ये कुक हो रहे हैं, तो इसमें मैं ऐड कर ली थी कुछ और मसाले। इसके लिए मैंने ऐड लिए हैं ये चाट मसाला, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, मैगी मसाला और काला नमक। गैस की फ्लेम को तेज कर लेते हैं और इन्हें अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। आराम से मिक्स कीजिएगा ताकि हमारे राइस बिल्कुल भी टूटे ना। मैंने बॉइल वाटर ले लिया है, इनको एक बार हम मिक्स कर लेंगे ताकि ये नीचे चिपके ना। ये देखिए अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है, अब इसे हम कवर कर देंगे 20 से 30 मिनट के लिए। अब मैं राइस को चेक कर लेती हूँ, 20 से 30 मिनट के लिए मैंने इसे पकने के लिए रखा था, तो मैं अब चेक कर लेती हूँ। गाइस बहुत अच्छी स्मेल आ रही है इसकी, इसे मैं चेक कर लेती हूँ। ये देखिए हमारे बहुत अच्छी तरह से ये राइस कुक हो चुके हैं, अब इसे मैं सर्व कर लेती हूँ एक बर्तन में और गार्निश कर लेती हूँ। वेज पुलाव रेडी हो चुका है, देखिए हमने सर्व कर लिया है। चलिए मिलते हैं आपसे अब नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।